हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं डॉक्टर राहुल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर राहुल बेचम पेट्स, और पेट केयर सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हमें बहुत लोगों की रिक्वेस्ट थी कि सर, हमें छोटे बच्चों में पायरा वायरस का जो इन्फेक्शन लगता है, हम उसमें बच्चे नहीं बचा पा रहे, या फिर इन्फेक्शन लगने के बाद हमें यहाँ पर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या क्या फॉलो करना है, और ये इन्फेक्शन अवॉइड करने के लिए हमें क्या क्या करना है, इसके बारे में बताइए। तो फ्रेंड्स, हम आज आपको पायरा वायरस छोटे बच्चों में जब सेट हो जाता है तो उसको अच्छी तरह से हमें ट्रीटमेंट करा के किस तरह बचाना है, इसके बारे में हम बताएंगे। तो बने रहे हमारे साथ लास्ट। तो फ्रेंड, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है छोटे बच्चों में जो पायरा वायरस का जो इन्फेक्शन होता है वो अवॉइड करने के लिए, आपके पास जो भी ब्रीडर होते हैं उनके पास आप इंश्योर कीजिए कि जब भी डॉग की जो मेटिंग होती है, मेटिंग टाइप में ही आपको यहाँ पर पारो का जो वैक्सीन होना लगाना बहुत जरूरी होता है। अगर मदर में पारो का वैक्सीन अगर डलवा देते हैं तो उस टाइम पे आपको बच्चों को जो है प्रोटेक्शन नियर अबाउट 42 डेज तक यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके ब्रीडर ने वैक्सीन नहीं लगाई है तो उसके लिए आपको बच्चा जब 20 डेज से 30 डेज में जब आ जाता है तो उस टाइम पे पप्पी डिपी करके वैक्सीन आती है, तो आप ये पप्पी डिपी वैक्सीन भी बच्चे को लगाना बहुत जरूरी होता है। पारा वायरस इन्फेक्शन अगर आपके बच्चे को लग गया है और उसके वैक्सीन के जो शॉट्स होते हैं वो अगर नहीं हुए हैं तो आपका बच्चा बहुत ही बुरी ट्रबल में आ सकता है। तो यहाँ पर पारा वायरस के इन्फेक्शन के जो भी वैक्सीन होते हैं, तो पहला जो वैक्सीन होता है ये 45 डेज पे पड़ता है या फिर 42 डेज पे पड़ता है। सेकंड जो वैक्सीन होता है ये 21 डेज के गैप में पड़ता है, और उसके बाद आपको दो शॉट और डलवाने। सो ऐसे टोटल आपके चार शॉट जब तक पूरे नहीं हो जाते तब तक बच्चे को प्रोटेक्शन यहाँ पर नहीं आता है, और बच्चे को आपको बाहर कहीं भी एक्सपोज भी नहीं करना है जब तक बच्चे का इम्यूनाइजेशन नहीं हो जाता है। दूसरी चीज, अगर आपको लग रहा है कि बच्चे को इन्फेक्शन लग चुका है तो इनिशियल स्टेज में जो छोटे बच्चे जो होते हैं, जो 2 मंथ्स के अंदर होते हैं, उनको बचाना काफ़ी मुश्किल होता है। इनमें डेथ रेट जो होता है नियर अबाउट 80% डेथ रेट होता है, और इसमें रॉटवीलर के जो बच्चे होते हैं, उसके बाद जो डॉबरमैन के बच्चे होते हैं, इसमें काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, इनमें डेथ रेट सबसे ज़्यादा होता है। सो फ्रेंड, अगर आपके पास छोटा बेबी है, छोटे बच्चे हैं, और वो काफ़ी सुकुड़ के बैठे हैं या फिर खराने खा रहे, लिथार्जिक है, उनके बाल खड़े हो चुके हैं, तो ये काफ़ी अलार्मिंग होता है, और इस टाइम पे आपको इमिजिएटली वेटनरी डॉक्टर के पास कंसल्ट करके उसका सबसे पहले डायग्नोसिस करिए। सो इसका डायग्नोसिस जो हम घर पे भी कर सकते हैं, तो इसकी एक स्पेशल किट आती है, ठीक है, रैपिड एक्शन किट आती है, तो इससे आप इसका डायग्नोस कर सकते हो। इसके हमने सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, तो इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आप ये भी देख सकते हो। दूसरी जो चीज़ होती है, यहाँ पर बच्चे जो होते हैं छोटे बच्चे, इनका डेथ रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इमिजिएटली इन्हें हमें यहाँ पर कैनग्लोब डी करके इस तरह से यहाँ पर एंटीवायरल ड्रग्स आते हैं। तो ये क्या होता है, कैनग्लोब डी यूज करने के बाद बॉडी का जो भी वायरस है इमीडिएटली न्यूट्रलाइजेशन करना स्टार्ट होता है। तो आपके बच्चों को जो क्लिनिकल सिम्टम जो होती है, उल्टियाँ होना, दस्त होना, दस्त में बिल्कुल पूरी तरह से ब्लडी जो होता है, डिस्चार्ज होता है, क्या काफ़ी फाउल स्मेलिंग होता है, तो इसकी वजह से बच्चा जो है काफ़ी लिथार्जिक हो जाता है, और इसमें डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाए, तो ये चीज़ हम अवॉइड कर सकते हो। इनिशियल स्टेज में ही आपको ये डिसीज को पकड़ के इसको कैनग्लोब डी जो है इम्यूनोग्लोबिन लगा के इसे वही खत्म करना है, तो 3 to 4 डेज में बच्चा बहुत ही आसानी से यहाँ पर रिकवर हो जाता है। अगर आपके पास वेटनरी डॉक्टर नहीं है तो हमने यहाँ पर इसकी डेडिकेट वीडियो बनाई है, पारो का ट्रीटमेंट किस तरह करना चाहिए, तो आप वो भी देख सकते हो। फ्रेंड्स, अगर बच्चों में ओमिशन होती है तो यहाँ पर आपको ओडोनिल करके लिक्विड देना है, उसके बाद साथ में इंट्रोजर्मिनिया भी देना है। टेम्परेचर है तो यहाँ पर हिमपायरिन करके मेडिसिन आती है, आप ये दे सकते हो। मेलनेस करके मेडिसिन आती है, आप ये भी दे सकते हो। डायरिया अगर यहाँ पर ज़्यादा जा रहा है तो आप डायरेक्टली ग्रिप्टॉल करके मेडिसिन आती है, आप ये भी दे सकते हो। वेटनरी की ग्रिप्टॉल एन करके मेडिसिन आती है, आप ये भी दे सकते हो। तो हमने जनरली डॉग्स और छोटे पपीज के लिए हमने इसके ऊपर सेपरेट डेडिकेट वीडियो भी बनाई है, इसमें आपको डोजन वगैरह पूरी मिल जाएगी, इसके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप वो भी देख सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आपके बच्चे को पारा वायरस हो चुका है, आपको लग रहा है कि आपके डॉग का ट्रीटमेंट अगर बराबर नहीं हो पा रहा है, कुछ प्रॉब्लम है उसमें, या तो रिकवरी नहीं हो पा रही, तो आप हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें इनबॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताइए। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर ऑनलाइन कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं, इसके लिए आपको कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, और हमारी सर्च आईडी डॉक्टर राहुल वेट्स @CM4। हम व्हाट्सएप पे भी कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं, तो उसके लिए आपके डॉग के जो भी वीडियोस है, फोटोज है, हमें यहाँ पर भेजिए, या फिर जो भी डिस्क्रिप्शन है हमें डॉग के भेजिए, तो हम यहाँ पर आपको इमीडिएटली विद इन 5 मिनट्स आपके डॉग को प्रिस्क्रिप्शन भेज के आपका डॉग का जो भी प्रॉब्लम है हम इमीडिएटली सॉल्व करवाएंगे। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।